इतना मानते हो कि बहुत अच्छे हो, किंतु अपने को दो लोग कभी नहीं मानते। कौन? एक तो पड़ोसी और दूसरे महेश जी पत्नी। घर की मुर्गी दाल बराबर, उनको तो लगता है वही है। पर हमने देखा है हमारे गुरुजनों को, मैं देखता था बड़े बड़े विद्वान जिन महापुरुष से मैं व्याकरण पढ़ता था, मैं आपको क्या कहूं, कोई भी दर्शन व्यक्ति लेकर के आ जाए, मैं तो उन ब्राह्मणों के ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। रात्रि में पहुंच जाओ, दिन में पहुंच जाओ, मैं तो गुरुजी की सेवा में रहता था, जब हमारे गुरुजी सो जाते थे तब मैं पढ़ने जाता था। तो गुरुजी चारपाई पर बैठे रहते थे और पढ़ाते रहते थे, कभी सो जाते थे फिर जग जग करके फिर पढ़ा देते थे। और करुणा उनकी, कृपा उनकी, वृंदावन के विभूति थे वो महापुरुष, विभूति। किंतु मैंने कई बार देखा कि माताजी डांटती थी कि तुमको कुछ नहीं आता है, पता नहीं किस दुर्भाग्य से मैं तुम्हारे पल्ले पड़ गई हूं। मुझे कमाल लगता था, इतने बड़े विद्वान और ऐसे सरल सीधे, किंतु माताजी डांटती थी। मैंने तो एक दिन माताजी को कहा कि माताजी आप गुरुजी को नहीं जानती हैं। बोले तू बताएगा मेरे को गुरुजी कौन है? बोले मैं ब्याह करके आई हूं, मैं इसके साथ रहती हूं, और तू बताएगा गुरुजी कौन है? तो मैं भी डर के भागा। हमने कहा बचो नहीं तो अपने ऊपर बरस न पड़े। तो मुझे लगा कि महाराज ये दो लोग समझने वाले नहीं, इनका दोष भी नहीं है, क्योंकि सामीप्य ज्यादा होता है तो अवज्ञा होती है, और समीप ज्यादा जाने पर, इसलिए आपने एक मुहावरा सुना होगा कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, पास में समीप जाओ तो वही कष्ट देने वाले बन जाते हैं, दूर से सुनने में रस लगता है। तो भगवान ने कहा कि ज्यादा समीप मत रहो, हमारी कथा सुन लिया करो, मैं गोचारण करके आया हूं तो दर्शन कर लिया करो, और इतने में भी न बने तो हमारा ध्यान कर लिया करो, और ध्यान में भी मन न लगे तो हमारा नाम लेकर संकीर्तन कर लिया करो। हमारे महाराज जी तो कहते थे, एक गोपी ने बढ़कर श्री कृष्ण के मुख में हाथ रख दिया और कहा कि अब हमारा संबंध ऐसा नहीं है जिस संबंध में हम तुम्हारा नाम ले सके। अब आप लोग जानते हो किस संबंध में नाम नहीं लिया जाता? क्यों माताओं पता है? किसका नाम नहीं लेते हैं? पति का। पति का कभी नाम नहीं लेना चाहिए। जो स्त्रियां अपने पति का बार बार नाम लेती हैं वो विधवा होती है। आप बुरा मत मानना, जितनी बार नाम लोगे उतनी आयु कम होगी, आयु क्षीण करने का काम है। हमारे यहां शास्त्र की मर्यादा है। अच्छा, हमारे पूर्वजों को क्या नाम याद नहीं रहता था? सुनती हो या बेटे का नाम लेकर उनकी मां, ये क्यों, कारण क्या था इसके पीछे? ये मत समझना कि वो पठित नहीं थे, वो शास्त्री परंपरा के जानकार थे। तो उन्होंने कहा अब हमारा आपका ऐसा संबंध नहीं रहा जिस संबंध में नाम लिया जाता हो, और यदि नाम नहीं लेंगी तो संकीर्तन कैसे होगा? संकीर्तन बिना नाम लिए हो नहीं सकता है, तो हम नाम तो नहीं ले सकती। अभी आज मैं एक संत को सुन रहा था, सुबह गदगद हो गया। उनका अपनी हमारे पूज्य श्रीमन नारायण भक्तमाली जी महाराज मामा जी इतनी बढ़िया बात कह रहे थे, मैं तो आज इतना रो पड़ा सुनते सुनते, स्नान करते करते रो पड़ा, क्योंकि अपने राम तो उठते बैठते सोते जागते दूसरा कोई चिंतन होता नहीं, प्रयास यही करता हूं कि उससे मैं जीवन डूबा रहे। तो गोपियों ने श्री उद्धव जी महाराज से एक बात पूछ दी कि सारा का सारा दुख सहने का काम क्या हम गोपियों का ही है या श्री किशोरी जी का ही है? उद्धव ने पूछा क्यों? बोले श्री किशोरी जी जब श्री कृष्ण को पुकारती रहती हैं तो पुकारते पुकारते पहले श्याम सुंदर को पुकारती रहती हैं, श्याम श्याम श्याम,
और भावापन्न हो जाती, श्याम श्याम पुकार कर श्यामा हो जाती, श्याम 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 पुकार करके श्यामा हो जाती श्याम। तो कहा जब श्याम पुकारते पुकारते श्यामा श्याम श्यामा श्याम हो जाती हैं, तब फिर श्यामा श्यामा पुकारने लगती हैं। तो श्यामा बनकर के भी विरहिणी और श्याम बनकर के भी विरहिणी, तो क्या दोनों के विरह का दुख सहने के लिए क्या श्री किशोरी जी को पैदा किया गया है? तो बहुत बढ़िया भाव लगा और उन्होंने एक बात और भी रसीली कही। इन संतों का जो हमारा चिंतन है, क्योंकि दिन रात इसी में रमण करते रहते हैं, इसी में विचरण करते रहते हैं, उन्होंने कहा श्री किशोरी जी बहुत दुखित थी, वेदना से व्यथित थी, झरझर झरझर आंसू बह रहे थे। तब तक एक तोता बैठकर डाल पर बोले लगा, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। वो तोता तो सुखदेव जी ही रहे होंगे, तो श्री किशोरी जी को बहुत बुरा लगा। तोता तो ये बताना चाहता था कि तुम्हारे नाम के बगैर उनका नाम आता है और उनके नाम के बगैर तुम्हारा नाम आधा है, क्योंकि दोनों पूर्ण तभी होते हैं, राधे श्याम दोनों के साथ पूरे होते हैं। तो श्री किशोरी जी ने उस तोते को भगाने का प्रयास किया, बोले पहले पहले था राधे श्याम राधे श्याम, अब तो हो गए हैं कुबजा श्याम कुबजा श्याम, क्योंकि अब वहां है, तुम राधे श्याम मत कहो। उस तोते ने कहा कि दुनिया में कोई कुछ भी कहे, किंतु वो जब भी होंगे तब राधे श्याम होंगे, कभी दूसरे श्याम बनी नहीं सकते किसी के। श्यामा के श्याम थे, श्याम थी श्यामा जी की, जब तक सूरज और चांद हैं तब तक ये दोनों एक दूसरे के ही रहेंगे। अरे एक दूसरे के क्या, ये पूर्ण है ही एक दूसरे को नहीं, ये दोनों एक ही हैं। तो मैं निवेदन इतना ही कर रहा था। गोपियों ने कहा कि अब ऐसा संबंध नहीं रहा जिसमें कीर्तन किया जा सके। श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं तुम लोग जाओ। तो गोविंद भाषितम, श्री गोविंद के द्वारा कहा गया ये बात गोपियों को छू गया और रो पड़ी, झरझर झरझर आंसू बहने लगे, आंखों में जो कज्जल लगा था काजल, अंजन जो लगा था वो निरंजन की बातों को सुनकर के बह गया, कपोलों में काली काली रेखा खींचता हुआ वक्षस्थल से निकला, श्याम सुंदर की ओर निहार करके कहा कि प्रीतम लगता है तुमने हमारे हृदय को पत्थर का समझा है, और पत्थर चीरने वाले भी लोग पहले चिन्ह लगा देते हैं, तो तुम्हारा मैं सहयोग कर रही हूं, तुमने हमारे हृदय को पत्थर का समझा है और चकनाचूर करना चाहते हो, तो चकनाचूर हो जाएगा तो तुम्हारे काम का नहीं रहेगा। मैं चाहती तो ये भी हूं कि हृदय के टुकड़े हो जाने के बाद भी हृदय तुम्हारे काम का रहे, इसलिए रेखा खींच रही हूं, इस रेखा के ऊपर ही यदि प्रहार करोगे तो हृदय टूट करके भी तुम्हारे काम का रहेगा, इसलिए मैंने रेखा खींच दी है। बाद में गोपांगनाएं विह्वल होकर एक गीत गाती हैं, जिस गीत का नारायण नारायण नाम है प्रणय गीत। मैवम विभोर हति भवान गदितुम संसम, संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम, भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मान, देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षों। हे विभु, विभु माने होता है नारायण व्यापक। गोपियां कहती हैं कि आप व्यापक हो, और व्यापक हो तो हमारे दिल में भी हो, और हमारे दिल में हो तो दिलदार तुम्हें पता है। अब तुम्हारे बगैर जीवन की कामना नहीं है, अगर तुम अब स्वीकार नहीं करोगे तो यहां से गोपी नहीं अब गोपी की लाश जाएगी।
इसलिए ऐसी कठोर वाणी मत बोलो कि हम मर जाएं। श्याम सुंदर, कहीं आप ये मत समझना कि मैं कोई कामना लेकर आई हूं। मेरे चित्त में आपको सुखी बनाने के अतिरिक्त कोई कामना नहीं है, और यदि ये कामना है तो जरूर मैं कामी हूं, क्योंकि आपको आह्लाद देना चाहती हूं, आपको आनंद देना चाहती हूं, आपके मुस्कान में कभी थकान ना आए ये देखना चाहती हूं, इसलिए त्याग कर आई हूं। और हमने तो अपनी कामनाओं को, अपने विषयों को तो मूल से उखाड़ कर फेंक दिया है। अब जीवन में कभी विषय सुख नहीं आएगा, कभी सांसारिक सुख पाने की इच्छा जगेगी नहीं, क्योंकि मैंने जड़ से उखाड़ कर फेंका है। और ठाकुर, एक बात कहूं, मैं तो भक्ता हूं, भक्ता संस्कृत भाषा में जो चावल हमारी माताएं बनाती हैं तो पक जाने के बाद उस चावल का नाम होता है भक्तम। इसलिए उत्तर भारत में इसी भक्तम को भात बोलते हैं, भात, भात बन गया। तो चावल वही उत्तम पका हुआ माना जाता है, चावल गल करके हलवा न बन जाए। अगर जो गल करके हलवा बन गया, एक साथ मिल गया, तो उत्तम चावल नहीं बनाना आया नहीं। चावल अलग अलग होने चाहिए, किंतु कई बार यदि चावल अलग अलग करने के चक्कर में कोई जल्दी उतार दे, उसमें कठोर भाग अंदर रह जाता है, तो कड़िका भी नहीं होनी चाहिए, कठोर भी नहीं होना चाहिए। दबाने से ऐसे दबाया जाए तो तुरंत वह मिल जाए। उन्होंने कहा कि मैं भात बनकर आई हूं, भक्तम बनकर आई हूं। दुनिया में अब किसी से मेरा प्रेम नहीं है, किसी के साथ लगाव नहीं है, अलगाव है सबसे, ये अलग अलग हूं। और अंतकरण में अभिमान की कड़िका नहीं है, अब हृदय में कठोरपन नहीं है। मुझे लगता है उसी व्यक्ति का हृदय बहुत कठोर होता है जिसके अंतकरण में अभिमान होता है। अभिमानी व्यक्ति बहुत कठोर होता है नारायण, उसका हृदय जल्दी पसीजता नहीं है। और निराभिमानी व्यक्ति इतना सहज सरल होता है, यदि किसी बात से डांटे भी तो दो मिनट के बाद हृदय लगा लेगा, रोने लगेगा। तो गोपांगनाओं ने कहा कि हम तो भक्तम हैं, अभिमान की कड़िका नहीं है, और जीवन धन हम तुमसे सुखी बनने नहीं आई, तुम्हें सुख देने आई है। आह, इसलिए नारद भक्ति दर्शन में भक्ति की व्याख्या करते हुए नारद जी महाराज ने कहा कि दुनिया में यदि भक्त किसे कहते हैं ये जानना हो तो यथा ब्रज गोपी का नाम, जैसे ब्रज की गोपियां हैं। आप लोग बुरा मत मानिएगा, यहां यदि एक भी व्यक्ति ऐसा बैठा हो तो मैं उसके चरण धोकर पी सकता हूं, उसकी आरती उतार सकता हूं, जो भगवान को चाहता हो और भगवान से न चाहता हो। हम लोग भगवान से चाहते हैं नारायण, उनसे धन मिले, उनसे सुविधा मिले, उनसे प्रतिष्ठा मिले, उनसे यश मिले, हमारे व्यापार में वृद्धि हो, कभी घाटा ना हो, कभी लोग मरे नहीं, हम भगवान से चाहते हैं। अधिकतर ये मंदिरों में लगी हुई भीड़ सब भगवान से चाहने वालों की है, किसी न किसी कामना के आधार पर जीते हैं। सच कहें, सच्चा प्रेमी तो वह है जो भगवान से न चाहे, भगवान को चाहे। एक भक्त की करदाली सुन रहा था, हृदय भराया, बोले हम ऐसा चाहते हैं तुम्हें कि मैं मर जाऊं और तू जिए, मैं मर जाऊं
मेरा अस्तित्व मिट जाए। अभी मैं की ध्वनि जो आती है, अभी अस्तित्व हमने मिटाया नहीं है। अभी लगता है कि हमारा कोई अस्तित्व है जो अपना अस्तित्व मिटाना चाहे, अपने को सर्वस्व लुटाना चाहे, वो प्रेमी है। गोपियां कहती हैं कि हम तो आपको चाहने वाली है भक्ता भजस्व, और मैं ये भी जानती हूं कि तुम भी हमें चाहते हो, किंतु अभी दुराग्रह कर रहे हो, तुमको अपना सुख नहीं पता है। अभी विदग्ध माधव पढ़ रहा था वृंदावन में, तो हृदय भर आया। श्री किशोरी जी रात भर श्याम सुंदर की प्रतीक्षा करती रही, श्याम सुंदर आए नहीं। तो श्याम सुंदर नहीं आए तो बहुत बेचैन थी। किसी सखी ने पूछ दिया, क्यों नहीं रो रही हो, क्या बात है, क्या वो किसी दूसरे के पास में रहे इसलिए रो रही हो? उसने कहा, मुझे कोई डर नहीं है किसी के पास रहे, किंतु मैं ये जानती हूं कि उनको अपना सुख नहीं पता है कहाँ है। वो तो करुणा से भरे हैं, कृपा से भरे हैं, दया से भरे हैं। उनको कोई विनय कर देगा, उनके सामने कोई रो देगा, तो अपने सुख को भूल करके वो उसी के सुख में लीन हो जाएंगे। हमारे पास नहीं आए इसलिए नहीं, वो अपने सुख को न भूल जाते हैं इसलिए मैं रो रही हूं। क्योंकि जब भी उनको सुख मिलेगा, जब भी आह्लाद मिलेगा, तो निश्चित रूप से हमारी गोद में मिलेगा, हमारे अंक में मिलेगा। गोपियां कहती हैं, मैं जानती हूं कि तुम इस समय हठीले बन गए हो, दुराग्रही बन गए हो, तुमको अपना सुख नहीं पता है, तुमको अपना आनंद नहीं पता है। मैं ही तुम्हारा सुख हूं, मैं ही तुम्हारा आनंद हूं, इसलिए भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात जास्म। अरे दुराग्रही, अरे हठीले, अस्मान मात्यज, मेरा त्याग मत करो, मेरे त्याग से तुम्हें दुख होगा। अपने सुख को पहचानो। अस्मान मात्यज देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन, जैसे मुमुक्षुओं का भजन परमात्मा करता है। जो घर द्वार छोड़कर निकलते हैं प्रीतम के लिए, उनके कपड़े की, उनकी भोजन की, उनकी निवास की व्यवस्था ठाकुर करते हैं, उनका दायित्व है। जिनके आश्रय में हम जीते चले जाते हैं, उन्हीं का ही तो आश्रय स्वीकार करके बैठे हैं, तो दायित्व उनका है। तो बोले, हमारे भी भरण पोषण का दायित्व तो तुम्हारा है, क्योंकि हम तुम्हारी हैं, आपके अतिरिक्त हमारा कोई फल नहीं है, तुम्हारे अतिरिक्त कोई हमारा जीवन नहीं है। तुम हमारे प्राण हो, तुम हमारी श्वासें हो, तुम हमारे जीवन हो, तुम हमारे सब कुछ हो। बाद में गोपियां कहती हैं, मैं जानती हूं कुर्वन्ति त्वयि रतिं कुशलास्व आत्मन, इस संसार में कुशल वही है जो त्वयि रतिं कुर्वन्ति, आपसे प्रेम करता है। बाद में गोपियां कहने लगी, मैं तुम्हारी किंकिणी हूं, हमें स्वीकार करो। तो श्री ठाकुर हमारे गोपांगनाओं के मध्य में आ गए। यथार्भक स्व प्रतिबिंब विभ्रम, जैसे कोई अर्भक, कोई बालक अपने प्रतिबिंब को देखकर नाचता है, श्री कृष्ण नारायण इनके साथ वैसे ही नाचते हैं। दिव्य नृत्य हुआ। इसमें अंग प्रत्यंग का श्री ठाकुर ने स्पर्श किया गोपियों की,
ऐसा दिव्य नृत्य है, आपने कभी शायद रासलीला देखी होगी। यहाँ हमारे कमल जी प्रधान जी कई बार यहाँ वृंदावन से रासधारियों को बुलाकर रास कराए हैं आप लोग, तो आपने देखा होगा जो श्री ठाकुर जी और किशोरी जी बनते हैं ना, वो नाचते 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 ऐसे आकर के पैर और हाथ फंसा कर खड़े होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि उनका हाथ किधर है उनका पैर किधर है। ये तो बालक है, अभ्यास का है उनका खेल। हमने तो महाराज कई बार देखा तो आश्चर्यचकित हो जाता, ऐसे श्री कृष्ण गोपियों के कहां से कैसे हाथ घुमा करके ऐसे ऊपर ले जाते हैं, कैसे कटी भाग में ले जाते हैं, कैसे वक्षस्थल पर ले जाते हैं, ऐसे दिव्य नृत्य दिव्य नृत्य। गोपांगनाओं के अंग प्रत्यंग का स्पर्श करने के बाद भी उत्तम भयन रतिपतिम रमयान चकार। अरे बाबा, काम खड़ा का खड़ा रह गया, स्तंभित हो गया, पत्थर बन गया। काम आया था श्याम को हराने के लिए, किंतु मानो काम मूर्ति बन गया। उसने तो कभी विचार भी नहीं किया होगा कि कोई ऐसे स्त्री पुरुष आलिंगनबद्ध हो जाते हो और उसके बाद भी काम का संचार ना होता हो। देखकर आश्चर्यचकित रह गया और हार स्वीकार कर ली कि मैं हारा और तुम जीते। श्याम सुंदर ने मुस्कुरा करके उसकी ओर निहारा। मैं सच कहूं, मदन सबको मोहित करता है और ये मदन को भी मोहित करते हैं, इसलिए मदन मोहन है। उत्तम भयन रतिपतिम रमयान चकार। उत्तम भयन रतिपतिम, काम के मूल में रति रहती है, प्रीति रहती है, इसलिए रतिपति शब्द का प्रयोग किया है। रति के पति काम को स्तंभित किया, फिर बाद में श्री ठाकुर जी ने एक और रसीला काम कर दिया। क्या रसीला काम किया? गोपियां नाचते नाचते थक गई थी तो पसीना बह रहा था, तो अपने उत्तरी से पसीना पोंछने लगे। किसी गोपी की चुनरी गिर गई थी तो चुनरी उड़ाने लगे। किसी की करधनी घूम कर नाचते नाचते पीछे चली गई तो सही ढंग से बांध दी। किसी का हार ढीला हो गया था तो जीवन धन ने उसका हार ठीक कर दिया, बाजू बंद ठीक कर दिए किसी के। अरे नारायण, कहां तक कहें, कई गोपियां नाचते नाचते थक करके चूर हो गई थी, बाल बिखर गए थे, हमारे श्री केशव ने उनको कंघी कर दी, बढ़िया चुटिया बना दी, बाल में पुष्प लगा दिए। अरे नारायण, और कहां तक कहें, कई गोपियां थक गई थी तो श्री कृष्ण उनके पैर भी दबाने लगे, उनके पायजेब ठीक कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं। ये देखकर गोपियों को लगा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं। तासाम तद सौभगमदम, गोपांगनाओं को अपने सौभाग्य का मद आ गया। श्री किशोरी जी को मान आया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तासाम तद सौभगमदम वीक्षमानम च केशव, केशवो वीक्षमान। श्री केशव ने, केशव का अर्थ होता कश्च अश्च तान नयते, जो ब्रह्मा और शिव पर भी अनुशासन कर दे। शिव पर कौन अनुशासन करेगा, ब्रह्मा पर कौन अनुशासन करेगा? ऐसे श्री केशव ने गोपांगनाओं के चित्त में अभिमान देखा। बंधु ध्यान रखना, अभिमान व्यक्ति को तोड़ता है। जब हमारे चित्त में अभिमान आ जाएगा तो हम भाई के साथ नहीं रह सकते, माँ बाप के साथ नहीं रह सकते, ये तोड़ देगा, अलग अलग करता है। और प्रेम जोड़ता है,
जब हमारे चित्त में प्रेम आता है तो हम सबसे जुड़ते चले जाते हैं, सबसे जुड़ते हैं, हमको सब कोई प्यारा लगने लगता है। प्रेम में दोष दर्शन नहीं होता। हमारे महाराज जी ने तो एक बड़ी बढ़िया बात कही कि प्रेम में क्रोध हो सकता है किंतु द्वेष नहीं हो सकता। प्रेमी व्यक्ति क्रोध कर सकता है, करते हैं, किंतु द्वेष नहीं कर सकता है। अरे जब अपना प्रीतम लगेगा कि कुछ बात से दुखी होगा तो डांटा भी जा सकता है, या भविष्य में दिखे कि इस क्रिया से इनको पीड़ा होने वाली है तो कठोर होकर के भी बोला जा सकता है। प्रेम में कठोरता आ सकती है किंतु प्रेम में द्वेष नहीं आ सकता है। श्री ठाकुर ने जो ये क्रिया की थी, कठोरता का जो व्यवहार किया था, तो द्वेष के कारण नहीं। किस कारण? सुखदेव जी महाराज बड़ी रसीली बात ये गवाह देते, तासाम तद सौभग मदम वीक्षमानम च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। प्रशमाय प्रसादाय, ये प्रसाद के लिए, प्रसादस्तु प्रसन्नता, गोपियों की प्रसन्नता के लिए। आप कहोगे गोपियों से अलग हो रहे हैं और गोपियों को प्रसन्नता है, भगवान चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए अलग हो जाएंगे तो फिर जीवन भर के लिए जुड़ जाएंगे, और थोड़ी देर साथ रहे तो फिर जीवन भर के लिए अलग हो जाएंगे। कई बार थोड़ी देर का क्रोध हमारे जीवन को संवार जाता है, और नहीं तो हमको अलग करके चला जाता है। भगवान अंतर हेतु हुए गोपियों ने जब नहीं देखा तो श्री कृष्ण को खोजने लगी। हमारे गुरुदेव महाराज श्री, आपको क्या कहें, हम तो अपने महाराज जी का भी चिंतन करते हैं तो रोने लगते हैं। उनके बारे में हमारे पास कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं रहते कुछ दिन से। पता नहीं उनकी छवि चित्त में आती है तो हृदय भर आता है। उन जैसा तो हमने तो न कोई देखा है न कोई सुना है। बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, सबकी अपनी अपनी विशेषता रही होगी, किंतु क्या भागवत जिनके श्वास हैं, भागवत जिनका प्राण है। महर्षि हमारे कहते हैं इस विषय में